सो हे व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अहमद रजा, आप देख रहे हैं हमारे चैनल AR टेक्निकल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना फेसबुक का पे अकाउंट बना सकते हैं, जो कि लिखा हुआ आता है एड योर पे आउट अकाउंट। तो फेसबुक का पे आउट अकाउंट कैसे बनाना है बहुत इजीली तरीके से 2023 में, बाकी जो भी अपडेट आते रहेंगे उसके बारे में आप लोगों को मैं बताता रहूँगा। लेकिन 2023 में जो भी चीज़ें हैं उस कंटेंट को पर लेकर वीडियो में अब अपलोड करता रहूंगा, कोशिश करूंगा दूसरे दिन तीसरे दिन या रेगुलर आप लोगों को वीडियो देने की। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर लेना, ठीक है। तो मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ होम स्क्रीन पर और आपको मोबाइल के होम स्क्रीन पर समझाता हूँ आपको कैसे बनाना है पे अकाउंटलेस को। सो गाइस, यहाँ पे ओपन कर लिए मैंने अपनी फेसबुक ओपन करने के बाद देख सकते हैं एड पेमेंट पे आउट अकाउंट, इस पर क्लिक किया। यहाँ पे आपको नाम डालना है, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आपका पूरा नाम और कंट्री डालनी है, इंडिया से है तो इंडिया सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको इंडिविजुअल पे क्लिक कर लेना है, नेक्स्ट कर देना, सिंपल से। जल्दी जल्दी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नाम डालना, बीच का नाम छोड़ दीजिएगा आप, बाकी जो नाम मांग रहा है फ़ोन नंबर और जीमेल आईडी, और जो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे जो पैन है तो आपका पैन कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, बाकी फ़ोन नंबर ईमेल आईडी आपका पिन कोड जिस एरिया में रहते हैं आपकी कंट्री सब सेलेक्ट करके यहाँ पे टिक लगाएं और नेक्स्ट कर दें, ठीक है। जब आप इसको नेक्स्ट कर देंगे उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा जो मैंने ऐड किए लिंक पे आउट मेथड, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एड टैक्स इन्फो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा, तो यहाँ पे जारी रखने के लिए बोल रहा है, मतलब फेसबुक जो है कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, फेसबुक से कनेक्ट होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझने वाली चीज़ नो पे यहाँ पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे नीचे की साइड में भी नो पे क्लिक करें और इसको जो है नेक्स्ट कर दें। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट वन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है जो कि हम लोग रहते हैं इंडिया से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, आप जो भी कंट्रीज है वो कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करें, उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा, नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ पे 0% वाले पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे फिर से, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ की जो डेट होगी यहाँ पे जो भी नाम डालना चाहते हैं वो नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। और नीचे की साइड में जो है आप यहाँ के जो सिग्नेचर होंगे वो थोड़े अलग होंगे आपके, ठीक है। नीचे वो जो डेट होती है तो वो डेट वही होती है जो कि आपकी लिखा हुई होती है, ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे नाम आपका जो भी है सिग्नेचर वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो आपका नाम है वो डाल दें या नाम लिख के कुछ भी करके यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिएगा, आपका ये जो हो जाएगा। अगर आपका सेम नाम नहीं आता तो आप कुछ भी नाम डाल के यहाँ पे जो आपका मिलता जुलता जो भी आपका नाम हो वो डाल सकते हैं। यहाँ पे सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा आपको, जो कि आप लोग देख सकते हैं ये पूरा हो चुका। अब चाहे इसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी मिस्टेक है, या आप PDF फाइल भी बना सकते हैं। तो इसको मैंने डन कर दिया है, उसके बाद यहाँ पे जो है डन करने के बाद आपका जो है पूरा काम हो जाएगा सक्सेसफुल। सो उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई है, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी सवाल सुझाव है तो कमेंट में बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन नोटिफिकेशन पे ऑन कर लो अभी से। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले फीचर के साथ, जब तक के लिए